और देखो मैं आ गई अमरीन की चाची के घर। और देखो ये है ना सब्जी वब्जी रखी पकाने को, बस तैयारी पे ये है सब सामान। ये देखो ये है सेम्बल और ये है आलू कटे हुए। देखो भाई बेटी तो सबको पता हमारे है नहीं, एक ही है वही ससुराल चली गई। अब ये है ना अकबर यूं करा के ये सारा मैंने करके रखा सामान तैयार। अम्मी की तबीयत खराब हो रही, बताओ हम भी मरीज हो गए, नहीं तो कुछ हम भी कर दें। अभी अभी धो के गया। और देखो मौसम का हाल, इस वक्त तो चंदा मामा है लेकिन बस सुबह को फिर वही वाला हाल हो जाएगा। देखो कितनी ठंड है, मैं तो गेट कर देती हूँ बंद। ये देखो कुंडी लगा देती हूँ और बस। कहाँ चला गया अकबर तू? और चलते हैं अमरीन की चाची के पास। बन रही है रोटी, आ जाओ खा लो। सब्जी बना ली थी अमरीन की चाची ने, ये वाली सब्जी बनाई थी सेम्बल आलू की, देखो कितनी अच्छी सब्जी बनाई। और आ जाओ खा लो। ये बैठे अमरीन की चाची, इनकी हो रही तबीयत खराब, तो बस अब बन रही है रोटी। अमरीन के पापा को दे दिया मैंने दूध, ये दूध पी लेंगे। देखिए मैंने कर लिया ये दूध गरम, बस मैं भी ज़रा सा दूध ही ले लूँगी। ये चाय तो मैंने बीबी ने बनाई थी तो पी ली थी, अब थोड़ा सा दूध ले लेती हूँ मैं भी। अमरीन के पापा तो नाश्ता करके चले गए हैं शॉप पर, और देखो मैं पी लूँगी चाय। और है ना बस बहुत ही ज़्यादा सर्दी लग रही, बहुत ज़्यादा। उनके जाने के बाद पीती हूँ मैं, जब वो चले जाते हैं कभी कभी साथ में भी पी लेती हूँ। अब ज़रा सर्दी हो रही, पहले उनको कराया नाश्ता और अब मैं कर लूँगी। आ जाइए कर लीजिए नाश्ता तैयार है। बहुत सर्दी लग रही है, अब की बार तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी लग रही, पता नहीं क्या हो रहा। कोई चल रहा है काम पुट्टी का, ये वाली वॉल तो हो गई और अब हो रही है वाली। रोशनी हो गई बिल्कुल, ये दीवारें खराब हो गई थी अब है ना, ये हो गया है ना बिल्कुल रोशनी हो गई। बंदर ही नहीं छोड़ा है अमरूद तो, अमरूदों में तो बंदर लग गए। और देखो ये जो है ना बैंगन को भी किस तरह से कर दिया, छोटे छोटे से रह गया बैंगन। और अब सूरज निकलेगा। अमरूद को तो ऐसे पीछे लग गया कि अमरूद तो छोड़ ही नहीं रहा है बंदर बिल्कुल भी। पुदीने को भी पाले ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, देखो पुदीना कितना अच्छा था। अब गर्मी में होगा ये सब। पपाया भी आ रहा है, वो लटक रहा है पपाया। देखो जी देखो सारे के सारे शर्मा, इसने भी दे लिया ब्लैंकेट में मुंह पड़ रहा था। ये डॉक्टर डॉक्टर साहब को शर्म आ रही, देख लो ये है ना, ये पढ़ रहे थे अपनी डॉक्टरी और अपना फेस दिखा नहीं रहा है, उसको ना बिल्कुल ब्लैंकेट से ढक लिया बिल्कुल कि मैं दिखा ना सकूं, जबरदस्ती मैं कर नहीं सकती, बस इतना ही बहुत है इनके लिए। और बस
ये मेरी अरीबा, अरीबा है मेरी बेटी, मैं आपका भी फेस नहीं लेने की, बेफिक्र रहो। और बस मैं आई थी, भाभी की तबीयत खराब हो रही है इनके पास, तो बस मैंने सोचा चलो जी चाय पानी सब पी लिया मैंने, चाय पानी भी पी चुकी मैं, और अब मैं जा रही हूँ अम्मी के पास। अम्मी के पास होके माता की बना दिया और करो, मैं तबीयत क्या खराब नाम हो रही है, है बहुत। मैं अपने घर चली जाऊंगी अब, और फिर घर जाकर देखती हूँ क्या क्या करना है मुझे। बस देखो दुआ करना, मेरी भाभी की तबीयत खराब है बहुत ज़्यादा। अरीबा ने मुझे चाय बना के पिलाई, और बस बेचारी अल्लाह मैं से ठीक कर दे। देखो अरीबा ने चाय बना के पिलाई थी मुझे, और बेचारी उठेगी अपना काम देखेगी कुछ करेगी। देखो सारा ही फैला पड़ा, आटा तो गूंद लिया। मैं अगर कुछ कर भी दूं तो मेरे हाथ में इतनी परेशानी रहे क्या बताऊं।